नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा स्क्रीनर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होती है, चाहे आपको किसी भी देश का मार्केट देखना हो, चाहे आपको चाइना का देखना हो, अमेरिका का देखना हो, किसी भी देश का स्टॉक मार्केट देखना हो या फिर क्रिप्टो मार्केट देखना हो, तो आप एक ही वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें चार्ट को कैसे देखते हैं, बाकी सारे जो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं इनमें से जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इनका यूज कैसे किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा फीचर है जो आपके काम के नहीं है उनके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, जो भी आपके काम की है दोस्तों वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ट्रेडिंग व्यू है जो दोस्तों ये एक पेड वर्जन है। यदि आप इसको पेड यानी आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री में आपको यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा यदि आप इसमें प्रो वर्जन लेते हैं तो आप इसमें यानी आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग है वो दिए गए हैं। यदि आप फ्री में इसको यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, इसका एक मैं तरीका बताने वाला हूँ। यदि आप ट्रेडिंग व्यू को फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। यदि आप फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट चार्ट है वो यूज़ कर सकते हो। मैं फायर्स में डीमैट अकाउंट मेरा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो यदि आप भी फ्री में ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो फायर्स के साथ में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो फायर्स में ओपन कर रखा है। तो यदि आप भी फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको फायर्स का अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है। हमारी लिंक से यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको कोई भी AMC चार्जेज है वो नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू का आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नया पेज हम ओपन करते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, यानी आप जैसे ही tradingview.com आप टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करेगा। यानी आपको सबसे पहले मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पे सबसे पहले इंडाइसेस, फ्यूचर इंडाइसेस में जो भी यानी मेजर दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी मेजर जो भी इंडाइसेस है, जैसे कि डाउ जोन्स हो गया, SGX निफ्टी हो गया, UK का हो गया, निकाई हो गया, हैंगसेंग का हो गया, जितने भी यानी मेन दोस्तों इंडाइसेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आपको यदि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉन्ड्स आप देख सकते हैं किसी भी देश के, और आप करेंसीज देखना चाहते हैं जैसे कि डॉलर देखना चाहते हैं, यूरो, तो करेंसी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो स्टॉक्स के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप इंडिया का NSE और BSE का चेक करना चाहते हो तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये हुई दोस्तों नॉर्मल सी बातें। अब हम बात करते हैं मेन चीज़, ट्रेडिंग व्यू में चार्ट कैसे देखा जाता है। चार्ट के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखना होगा, ज़्यादातर लोग है वो चार्ट ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो आपको ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस सर्च बार में आपको टाइप करना है, जैसे कि हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट चेक करना चाहते हैं, निफ्टी हम यहाँ पे चार्ट टाइप करेंगे, निफ्टी आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, आपके सामने इसका चार्ट है वो ओपन होके आ जाएगा। चार्ट जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे, हमने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, हम इनको यहाँ पे हाइड कर लेते हैं इंडिकेटर्स को। यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स को कुछ टाइम के लिए हटा लिया है। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं। शॉर्टकट्स दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया है, अब आपको यहाँ पे वापस से ट्रेडिंग व्यू को शुरू से आपको ओपन करने की ज़रूरत है वो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कोई भी दूसरा चार्ट ओपन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, आप चाहते हो कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन करें, तो डायरेक्टली आपको कीबोर्ड पे टाइप करना है SBIN। जैसे आप टाइप करोगे आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। किसी का भी आप करना चाहते हो, जैसे कि आपको HDFC बैंक का करना है तो आपको HDFC टाइप करना है, HDFC बैंक, और आपको एंटर प्रेस कर देना है, आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी चार्ट को ओपन करना है वो आप डायरेक्टली आप यहाँ से टाइप करके और आप ओपन कर सकते हैं। यदि आपको निफ्टी का ओपन करना है, बैंक निफ्टी का ओपन करना है, किसी भी स्टॉक का ओपन करना है,
तो आपको कोई भी माउस को कहीं पे भी रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से टाइप करना है उस शेयर का नाम और डायरेक्टली आपको एंटर प्रेस करना है, आपके सामने उसका चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों इसका शॉर्टकट। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट और है दोस्तों, यदि आप टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है वो ओपन कर रखा है, आप चाहते हो 15 मिनट का चार्ट ओपन करना चाहते हो, तो आपको कोई भी कहीं पे भी आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 15 टाइप करना है, एंटर करना है, आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है वो ओपन हो चुका है। आप चाहते हो 30 मिनट का चार्ट, 30 एंटर करना है और आपको यहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने 30 मिनट का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको, यानी आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे कि आप 1 डे का टाइम फ्रेम चाहते हो तो आपको 1 टाइप करना है, डी टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, आपके सामने 1 डे की जो भी कैंडल है यानी आपके सामने चार्ट है वो ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट को ओपन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट बताया। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इसके अलावा यूज़ करना चाहते हो, कोई भी जैसे स्टॉक ओपन करना चाहते हो, किसी का भी आप चार्ट ओपन करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो SBI का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप सर्च करके किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिया गया है वॉच लिस्ट के पास में, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप है जो टाइप करके किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के चार्ट को ओपन कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है वो ओपन किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने इसका चार्ट है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी चार्ट को ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे निफ्टी का कर लेते हैं, ये हमने निफ्टी का चार्ट है वो ओपन कर लिया है, ये फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम में दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चार्ट को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो आपको साइड में जो ये प्राइस बार दिया गया है, प्राइस वाला, इधर आपको यहाँ पे माउस को क्लिक करके और आपको यहाँ पे ऊपर नीचे स्लाइड करना है, आपकी कैंडल्स है वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और आप इस तरीके से आपको यहाँ पे माउस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना है, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप नीचे में जो आपको यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, आपको इसको भी आप साइड में थोड़ा स्लाइड करोगे तो आपका चार्ट है वो थोड़ा बड़ा छोटा है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको कोई भी वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक है वो ऐड करना है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। आपको प्लस का आइकन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी वॉच किसी को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में इसको यूज़ करोगे तो आप इसमें वॉच लिस्ट में शेयर है वो ऐड नहीं कर सकते, चाहे आप बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं, कुछ भी हो आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्री में यूज़ करने का एक ही तरीका है, वो है फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोग कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है वो ले सकते हैं जो काफ़ी महंगा है, यदि आप नॉर्मल ट्रेडर है तो दोस्तों आपके लिए महंगा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका जो इधर का जो पैनल है इसके बारे में हम बात करते हैं। यदि आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसमें 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो करता है जो आप नीचे में देख सकते हैं, ये एक एड शो करता है, इसको आप कट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक 30 डेज का आपको यहाँ पे कुछ बोलेगा ट्रायल लेने के लिए, तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले इधर के पैनल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया प्लस वाला, इसके माध्यम से आप क्रॉस जो आप प्राइस वगैरह चेक कर रहे हैं यहाँ पर आप माउस वगैरह इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके सामने ट्रेंड लाइन का है, यदि आप यदि आप चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे चार्ट पे कहीं पे भी इसको क्लिक करना है और आपको माउस से ऐसे ड्रैग करके इसको यहाँ से छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो वापस से आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ट्रेंड लाइन के पास में दोस्तों एक छोटा सा आपको यहाँ पे एरो का निशान दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी लाइंस दी गई है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है दोस्तों वो है ट्रेंड लाइन होती है। इसके अलावा एक हॉरिजेंटल लाइन है, यदि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं चार्ट पे तो आपको हॉरिजेंटल लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको हॉरिजेंटल लाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको चार्ट पे जहाँ पे भी आप लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है तो हम यहाँ पे इस पे लाइन बनाना चाहते हैं, इस पे क्लिक किया ये हमारे सामने लाइन है वो बन चुकी है, सामने आपको यहाँ पे
प्राइस शो करेगी। ऊपर में और बनाना चाहते हैं तो वापस से आपको इस हॉरिजेंटल वाली लाइन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने लाइन है वो शो कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको हॉरिजेंटल लाइन बना लेनी है। और भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपके काम के नहीं है, यदि आप इनमें से यूज करना चाहते हैं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे यही यूज होंगे जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके अलावा ट्रेंड लाइन है, बाकी सारे एरो वगैरह दोस्तों आपको ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें जैसे कि फिब रिट्रेसमेंट दिया गया है, यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं जो एडवांस ट्रेडर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एबी वो बनाते हैं ना, क्या हाई एंड लो का पैटर्न बनाते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ज़्यादा कुछ देखने की आपको ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रश वगैरह दिया गया है जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कोई भी काम करता हूँ तो ब्रश वगैरह आपको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है वो नहीं है, फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको वापस से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में नीचे में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, टी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन पर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना चाहते हो तो आप यहां से स्क्रीन पे टेक्स्ट वगैरह है वो टाइप कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे और आप स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई भी यहां पे टाइप करना हो चार्ट पे तो वो आप यहां से टाइप कर सकते हो या फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों नीचे में आपको पैटर्न्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो कोई भी चार्ट में पैटर्न बन रहा है, जैसे कि ABCD पैटर्न बन रहा है तो आप इसकी मदद से आप लोग बना सकते हो, जैसे कि ABCD बन रहा है, ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह ही है दोस्तों, इसको भी आप है जो यूज कर सकते हो, जिसको आप डबल बॉटम बोलते हो, डबल बॉटम या फिर W का बनाने वाले हो, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और आपके लिए शॉर्ट पोजीशन दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप शेयर खरीदते हो और आप स्टॉप लॉस और टारगेट चेक करना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक को हम बाई करना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है और आप जहाँ से बाइंग स्टार्ट करने वाले हैं आपको वहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला जो रेड कलर में दिया गया है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर वाला जो ग्रीन कलर में दिया गया है ये हमारा टारगेट रहेगा, यानी आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है वो आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में और आप शॉर्ट पोजीशन में चेक कर सकते हैं। यदि आप बाई करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाना है और आप शॉर्ट करने वाले हैं यानी आप सेलिंग करने वाले हैं तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और आपको लॉस होने के चांसेस है वो कम रहे। इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, जो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ से हम सेलिंग करने वाले तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम कितना टारगेट लेना चाहते हैं, टारगेट जैसे कि हम अपने सपोर्ट तक इसके यहाँ तक लेने वाले हैं सपोर्ट तक, तो हम यहाँ तक आए और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी हम ऊपर में यहाँ पे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं कि हमारे को कितना प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, ये आप कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है नीचे में आपको एक स्केल का ऑप्शन दिया गया है, स्केल के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप यहाँ से किसी भी स्टॉक को आप जो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसकी आप रेंज है वो चेक कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना पॉइंट है, यानी इसमें कितना गैप है। जैसे कि अभी निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी में हम यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने पॉइंट मिलेंगे, यदि हम कोई भी ट्रेड करेंगे तो हमारे को कितने पॉइंट मिलेंगे, या फिर आप कोई भी स्टॉक ओपन करोगे, किसी भी शेयर का चार्ट ओपन करोगे उसमें भी आप यहाँ पे स्केल के माध्यम से पॉइंट चेक कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट है। यदि आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो तो स्केल के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट का यहाँ पे टारगेट बन रहा है, कोई भी आप चेक करना चाहते हो वो आप स्केल के माध्यम से कर सकते हो। फिलहाल हम इसको यहाँ से वापस से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने प्लस का आइकन दिया गया है जिसको आप चार्ट को आप जूम करना चाहते हैं तो चार्ट को जूम कर सकते हैं। नीचे में आपको मैग्नेटिक मोड ऑन ऑफ का भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप ड्राइंग टूल को आप यहाँ पे आपको नीचे में ड्राइंग टूल का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप ड्राइंग टूल को लॉक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी सारी ड्राइंग्स टूल है वो लॉक हो जाएगी, आप उसको यूज
नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जो आई का जो ऑप्शन दिया गया हाइड ऑल ड्राइंग्स, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी ड्राइंग्स वगैरह लगाई है, जैसे कि हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगाई थी उसको हमने हाइड करना है, तो आपको यहाँ पे जो आई वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप अपनी ड्राइंग टूल्स को हाइड कर सकते हैं, यानी आपके चार्ट में शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग टूल वगैरह को हाइड कर लेना है। और साइड वाला पेन वाला दोस्तों आपको यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। नीचे नीचे में डिलीट का ऑप्शन दिया गया, जो भी कंप्लीट आप यहाँ पे जो भी आपने ड्राइंग यहाँ पे की है चार्ट पे उसको आप पूरी को डिलीट करना चाहते हो तो सबसे नीचे में आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊपर के ऑप्शंस के बारे में, जो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले आपको यहाँ पे जो ये थ्री लाइंस दी गई है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑटो सेव का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह लगाओ तो आप जब भी आप चार्ट को फिर से ओपन करो तो आपके सामने आपका चार्ट है वो इंडिकेटर्स लगा हुआ आपको यहाँ पे शो करे, यानी आपका चार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। आपको बार बार है उसमें आपको इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है वो नहीं रहे। डायरेक्टली आप ओपन करोगे तो फिर से आपको जो भी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करते हो वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे नीचे में आपको एक और ऑप्शन दिया गया है डार्क कलर थीम का। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कई लोग देखते हैं कि आप की आंखों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम डार्क मोड में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डार्क कलर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको वाइट स्क्रीन पे ही देखने वाले हैं। आप इस यहाँ पे आप थ्री लाइंस पे क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप चार्ट को सेव कर सकते हो और आप डार्क मोड में अपने चार्ट को कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो निफ्टी का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे कि आप कोई भी स्टॉक ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे SBI का शेयर है वो ओपन करना चाहते हैं, इसका चार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने एक प्लस का आइकन दिया गया है, प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो किसी भी दूसरे स्टॉक को आप कंपैरिजन करना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पे HDFC को हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं, HDFC बैंक इसका चार्ट और इसका चार्ट हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा वाला जो भी आप ओपन करोगे उसका चार्ट है वो लाइन में ओपन होगा, तो इसका भी आप लाइन में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है। आप दोनों स्टॉक का चार्ट है वो देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ने मूवमेंट किया है। तो हम यहाँ पे वापस से इसको कैंडल्स में चेंज करते हैं और हम HDFC वाले को वापस से हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास में आता है यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो ओपन कर रखा चार्ट में, तो आप यहाँ पे जितना भी टाइम फ्रेम आप देखना चाहते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप कैंडल्स को चेक करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है तो अब आपको जो भी चार्ट पे कैंडल शो करेगी वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शो करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट की जो कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है रेड वाली, ये एक 5 मिनट की कैंडल है, इसके नीचे वाली ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट का हाई एंड लो आपको चेक करना है तो वो आपको यहाँ पे कैंडल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको माउस को रखना है और ऊपर में आपको यहाँ पे जो बार्स दिया गया है इसमें आपको ओपन लो जो भी रहेगा, ओपन हाई लो क्लोज 5 मिनट की कैंडल का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप वन डे में देखना चाहते हैं तो डी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको अब यहाँ पे आपको एक कैंडल एक दिन की शो करेगी, जैसे कि सबसे लास्ट वाली कैंडल है वो एक दिन की एक कैंडल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर में आपको यहाँ पे पॉपअप में देखने को मिलेगा ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना रहा, लो कितना रहा और क्लोजिंग कितना दिया है और कितने परसेंट प्लस में रहा है या फिर माइनस में रहा है, कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको समझ में आया कि जो भी हम टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम फ्रेम में कैंडल है वो हमारे को देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो 15 मिनट की एक कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे 1 आवर की कैंडल देखना चाहते हैं तो 1 आवर आपको यहाँ पे 1 आवर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो 1 घंटे की एक कैंडल हमारे को यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों आपको यहाँ पे कैंडल्स का, कैंडल्स में जो भी आप
जैसे कि फिलहाल हम जो चार्ट देख रहे हैं वो कैंडल्स में देख रहे हैं। यदि आप बार्स में देखना चाहते हैं तो बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा यदि आप हेलो कैंडल्स देखना चाहते हैं, जो एक ग्रीन वाली होती है वो बिल्कुल पारदर्शी होती है और रेड वाली कैंडल होती है। इसके अलावा कोई भी आप कॉलम्स वगैरह देखना चाहते हैं तो कॉलम्स में देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, यानी आप कैंडल्स को यूज़ करना है जो सभी लोग यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रॉफिटेबल भी है। यदि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें आपको हाई एंड लो का जो है वो पूरा आपको यहाँ पे डाटा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको एक कोई भी ट्रेंड चेक करना है तो आप हाइकन एसी कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्लिक करोगे तो हाइकन एसी दिया गया, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसके माध्यम से आप ट्रेंड चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा फिलहाल ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि ग्रीन 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 बन रही है तो यानी अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये दोस्तों यानी जो भी पीछे वाली कैंडल्स होती है उनका एवरेज मिला के आपको यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हाइकन एसी कैंडल्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वापस से हमने यहाँ पे नॉर्मल मोड को कर लिया। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आता है इंडिकेटर्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो कोई भी इंडिकेटर्स यदि आप लगाना चाहते हैं इसमें आप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं, एमए टाइप करना है, मूविंग एवरेज आपके सामने आ चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट में मूविंग एवरेज है वो लग जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 लगा रखा है तो हमने यहाँ पे शो किया है। मूविंग एवरेज में कोई भी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आपने जो भी इंडिकेटर्स इस चार्ट पे लगाए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे आपके स्टॉक के नीचे में। यदि आप इनको हाइड करना चाहते हो तो आई का जो बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करके हाइड कर सकते हो। और आपको एक एरो का निशान दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने इंडिकेटर्स को यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और आप इंडिकेटर्स की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जो सेटिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इन पे आप क्लिक करके और आप इनका कलर वगैरह लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज लगा रखा है तो इसकी हम लेंथ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर स्टाइल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो मूविंग एवरेज के सामने यहाँ पर क्लिक करना है। और आप फिलहाल हमने ब्लैक कलर कर रखा है, आप यहाँ पे कोई भी कलर अपने हिसाब से कर सकते हो। जो भी लाइन आपको यहाँ पे शो की गई है इसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर से हम इंडिकेटर्स को यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, फ्री में यूज़ करते हैं, तो आप 3 ही इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। और यदि आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो फायर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसे मैं यूज़ करता हूँ बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के अलावा आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के टेम्पलेट मिलेंगे। यानी आपको गुच्छे में मिलेंगे कि आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि आप वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो तो वॉल्यूम, कमोडिटी चैनल हो गया, यानी आपको अलग अलग इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप इनको लगाओगे तो आपके सामने स्क्रीन पे अलग अलग इंडिकेटर्स है वो लग चुके हैं। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम वाले इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एक ही टेम्पलेट को आप लगा सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के बताया, इस तरीके से आप लगा सकते हो। या फिर आप अपना कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहते हो कि आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पे आप सर्च करोगे किसी भी इंडिकेटर को और आपको यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हो। यदि आप खुद से कोई भी टेम्पलेट एक साथ लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, अलर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो किसी भी स्टॉक के बारे में आपको अलर्ट चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है वो, इसका चार्ट है वो ओपन कर रखा है, तो हम चाहते हैं इसका प्राइस जो भी चल रहा है, जैसे कि फिलहाल इसका प्राइस है वो 451 रुपये के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका प्राइस 420 रुपये से नीचे आए तो हम यहाँ पे अलर्ट चाहते हैं, या फिर ऊपर जाए तो हम अलर्ट चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अलर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी उस प्राइस को क्रॉस कर जाए। उसके बाद में आपको वैल्यू टाइप करना है कि कौन सी वैल्यू पे आपको अलर्ट चाहते हैं, तो आपको इसमें नोटिफिकेशन भी आएगा। आप यहाँ पे मेल आईडी अपनी ऐड कर सकते हैं, मेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको रिंगटोन भी आपको यहाँ पे सुनाई देगी। तो इस तरीके से आप एक बार अलर्ट चाहते हैं या फिर एवरी टाइम चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, रिप्ले का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे
तो आप जहाँ पे भी आप लाइन को यहाँ पे टच करोगे तो आपके सामने चार्ट है वो रिप्ले दिखाई देगा कि किस तरीके से चार्ट ने बिहेव किया, यानी किस तरीके से चार्ट में मोमेंटम आया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फ्री का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हम इसको है वो चेक नहीं कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको कट कर देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप आगे पीछे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप कितने चार्ट्स चेक करना चाहते हो, जैसे कि आप दो चार्ट देखना चाहते हो, तीन चार्ट देखना चाहते हो, वो आप यहाँ से देख सकते हो। फिलहाल इसको हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सामने एक ही चार्ट है वो ओपन होता है, हम ज़्यादा चार्ट है वो नहीं देख सकते हैं। ज़्यादा चार्ट कैसे देखना है, हम यहाँ पे फायर्स वाले ऑप्शन पे आते हैं। इस पे आने के बाद में हम जैसे कि हम यहाँ पे ज़्यादा चार्ट देखना चाहते हैं तो लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम कितने चार्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे थ्री चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थ्री वाले लेआउट पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे चार पाँच चार्ट देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। यदि हम दो ही चार्ट देखना चाहते हैं तो दो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब जितने ही आप चार्ट एक ही स्क्रीन पे जितने चार्ट आप चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक ही चार्ट को अपनी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन मोड में चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो एक साइड में ऑप्शन दिया गया है वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलेगी और इस पे वापस क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट चार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी आप फुल स्क्रीन पे आप अपना चार्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पे वापस से मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताता हूँ, वापस से आपको यहाँ पे जो यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया गया, इधर में आप वॉच लिस्ट में से जो भी स्टॉक्स आप चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप अलर्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन दिया गया है, स्टॉक स्क्रीनर पे आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी स्टॉक को आप यानी आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स को देखना है तो टाटा मोटर्स आपको सर्च करना है और टाटा मोटर्स की डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। टाटा मोटर्स हमने यहाँ पे टाइप किया, सॉरी दोस्तों हमारे सामने ये ओपन, हाँ अब आ चुका है टाटा मोटर्स। तो आप इसके फंडामेंटल्स वगैरह, प्राइस वगैरह, कोई भी आप टेक्निकल्स रेटिंग चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नीचे में आपको एक ओवरव्यू का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सटेंड यानी आप डिविडेंड वाले देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, जो भी आप देख सकते हो जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड वाले देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि टाटा मोटर्स में फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो भी ट्रेंड फिलहाल किसी भी स्टॉक में चल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे टेक्स्ट नोट का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप कोई भी नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स यानी आप लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आप स्क्रीन पे यहाँ से आप लिख सकते हो जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी टेस्टर दिया गया है, जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। यदि आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के थ्रू किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट करके आप ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे में आपको यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो आपको शो करेगी। लेकिन दोस्तों आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई भी ब्रोकर इसमें लिंक नहीं है, तो यदि आप इसको करना चाहते हो तो आपको इंडियन ब्रोकर का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। यदि आप फायर्स में यूज़ करते हो तो फायर्स में नीचे में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी आप ट्रेडिंग करोगे नीचे में इसी तरीके से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड है वो मिल जाता है। तो यदि आप फायर्स का यूज़ है वो कर सकते हो। वापस से आपको यहाँ पे आना है, वापस से इसको आप मिनिमाइज़ करना है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नीचे वाला पैनल है वो हाइड हो चुका है। चार्ट में आपको कोई भी चार्ट है वो देखना चाहते हो, किस टाइम फ्रेम में चेक करना चाहते हो, नीचे में आपको वन डे, फाइव डे, वन मंथ, जैसे कि हम यहाँ पे वन ईयर का चार्ट है वो चेक करने वाले हैं तो वन ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक साल का चार्ट है वो ओपन हो चुका है। एक साल के चार्ट में जो भी कैंडल है वो वन डे की दी गई है, डे का जो ऊपर में दिया गया यानी एक दिन की एक कैंडल है और एक साल का पूरा चार्ट है। तो 365 दिन का ये चार्ट है और 365 कैंडल बनी हुई है, क्योंकि हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है और नीचे वाला टाइम फ्रेम चार्ट वाला है वो वन ईयर का है। यदि आप वन मंथ का देखना चाहते हो तो वन मंथ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यदि आप फाइव ईयर का देखना चाहते हो तो फाइव ईयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोई भी आप पर्टिकुलर डेट में चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नीचे में आपको डेट का ऑप्शन भी दिया गया है, गो टू का, इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर डेट में आप कोई भी चार्ट चेक करना चाहते हो वो आप यहाँ से
कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो अननेम्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर से आप अपने चार्ट को यदि आप सेव करना चाहते हो, ऑटो सेव आपको हमेशा ऑन रखना है ताकि आप चार्ट में जो भी चीज़ें यूज़ करो आपकी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, बार बार आपको यहाँ से चेक करने की ज़रूरत है वो नहीं रहे। सो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। जो भी आप ट्रेडिंग व्यू में मार्केट चेक करते हो उसका आपको यहाँ पे कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा कि कितने पे मार्केट ओपन हुआ है, कितने पे क्लोज हुआ है, क्या प्राइस फिलहाल चल रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फायर्स डीमेट अकाउंट में शो करता है, सेम ट्रेडिंग व्यू का ही ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यदि आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी फ्री में और बिना किसी एएमसी चार्जेस के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी लिंक से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी आप फ्री में बिना किसी एएमसी चार्जेस के। सो दोस्तों ये है ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। यदि आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहो कमाते रहो।